रेलवे क्रॉसिंग फाटक के पास से नेहरू गेट तक लगा लंबा जाम, वाहनों की लगी लंबी लाइनें, प्रशासन बेखबर, घंटों से लगा जाम। हरपालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों से लगा जाम, सुबह 8 बजे से खबर लिखे जाने तक लगा रहा जाम। खबर का प्रकाशन 12:15 तक किया गया। जाम लगा होने से वाहनों में फंसे यात्री हो रहे परेशान। जाम की समस्या को लेकर न तो कोई पुलिस विभाग के कर्मचारी जाम को खुलवाने पहुंचे और न ही नगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। राहगीरों व वाहन चालकों ने पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर उठाए सवाल। मुंबई न्यूज। आप ही रहते तो आदमी है सब। अगर क्या है, पुलिस के यहाँ जवान हूँ ना, तो यहाँ जाम लगा ही नहीं सकता इतनी देर तक। लेकिन अब तो क्या है, आने जाने के चक्कर में एक दूसरा झड़ते थे अपनी गाड़ी उन्नी, हम कर जा लेकिन जो मालूम ही नहीं है कि आगे जाके हम जाम में बच जाए। 6 बजे तो जाम है यहाँ पे, 8:30 बजे से जाम है। तो पुलिस वाला नहीं आया? आया थे वो पुलिस वाले। वो एक बस आई थी पुलिस की, वो निकली थी उसमें से उतरे थे दो लोग। ये स्थानीय पुलिस नहीं आई यहाँ पे? नहीं, हर पाल पर थाने की पुलिस आई नहीं अभी, वरना जाम हट जाता। लगा रहा है यहाँ पे जाम 2 घंटे हो गए, 2 घंटे कोई एक पुलिस वाला नहीं है यहाँ पे। पुलिस वालों के लिए तो बोलना चाहोगे? पुलिस वाला नहीं है कोई यहाँ पे, यहाँ पे देखते व्यवस्था देखता आगे अपनी मनमर्जी चल रही है एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष तिवारी। कहाँ से हैं आप? महोबा।